अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं। हमने लास्ट टाइम फंक्शन की बात की थी और क्लासेस की बात की थी, और क्लास मैंने बनाना भी सिखाई थी आपको। तो एक क्लास अगर हम कार की भी बना लें, इसी को अगर हम राइट ब्रेक करके क्लास बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं कार की क्लास है। तो क्लास को हम यहाँ से इसको कार कर देते हैं, ये हो जाएगी कार। ठीक है जी, कार, और कार वन डॉट गियर, कार वन डॉट नेम, कार आ जाएगा। ठीक है, कार डॉट नेम, सुजुकी, सॉरी सुजुकी मेहरा गाड़ी। ठीक है, तो बाकी कट कर दें। इसको रन करते हैं, सुजुकी मेहरान गाड़ी, गियर 11। गियर 11 को हम गियर कर देते हैं गियर 5, सुजुकी मेहरान गाड़ी गियर 5। अच्छा जी, तो ये तरीका कार है क्लासेस को बनाने का। क्लास का नाम देते हैं। अच्छा, नाम हमने ऑब्जेक्ट कुछ भी दिया है, अगर देना चाहें तो नेम इज इक्वल टू, हम इसको सुजुकी दे सकते हैं, सुजुकी मेहरान गाड़ी। ठीक है, गियर 0 इनिशियलाइज करा रहे हैं हम। बाइक 1 इज इक्वल टू कार, कार 1 इज इक्वल टू कार। ठीक है, तो हम कार 1 डॉट नेम, कार 1 डॉट गियर। ठीक है, अब रन करते हैं तो नाम आ रहा है सुजुकी मेहरान गाड़ी गियर 5। अब यहाँ पर हमने उसको अपन स्ट्रिंग में हमने उसका क्लास का हमने नाम दे दिया है। स्ट्रिंग में नाम इज इक्वल टू सुजुकी मेहरान, गियर इज इक्वल टू 0। ऑब्जेक्ट बनाया हमने कार 1 इज इक्वल टू कार, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, एक्सेस एट्रीब्यूट्स एंड असाइनमेंट, कार 1 कार डॉट गियर 5, कार डॉट नेम सुजुकी मेहरान गाड़ी, प्रिंट एफ नेम, कार 1 डॉट नेम गियर, कार 1 डॉट गियर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको इंस्टेंट से इसको चलाना सीखा, और इस तरीके से हमने इसको चलाना चलाकर उसको रन किया। अच्छा, और इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट में बेसिकली क्लासेस में हम बेशुमार गूगल की पाइथन क्लासेस भी हैं, गूगल गूगल क्लास भी बन सकते हैं, पाइथन इनहेरिटेंस भी हैं। पाइथन इनहेरिटेंस में आप काफ़ी सारे, मिसाल के तौर इनहेरिटेंस क्या करती है, डिफाइन अ क्लास दैट इनहेरिट्स ऑल द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में हम इनहेरिटेंस करते हैं। क्लास पर्सन है, तो उसके अलावा पर्सन की क्लास में चाइल्ड क्लास बना सकते हैं, क्लास स्टूडेंट की, तो टीचर और स्टूडेंट, इस तरह से हम इसके इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं इंस्टेंसेस में जाकर। अच्छा, उसके अलावा पाइथन में डिफरेंट तरीके से आप फंक्शनलिटी को चलाते हैं, और उसमें जो है वो उसकी ऑब्जेक्ट वगैरह को, इंस्टेंसेस को लेते हैं पाइथन की फंक्शनलिटी में, जिसमें जिसमें सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इसके काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रोल है, और क्लास और ऑब्जेक्ट को बनाने में इसे काफ़ी ज़्यादा फंक्शनलिटी को यूज़ किए जाते हैं। तो आज हमने इसमें देखा क्लासेस में। क्लास एक यूजर डिफाइंड होती है, मतलब यूजर डिफाइंड प्रोटोटाइप्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा क्लास का नाम, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, क्लास प्रिंट ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। क्लास डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं, और इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिहेवियर होता है, और इस तरह से हम इसमें चेक कर सकते हैं। क्लास अगर डॉग की है तो डॉग 1, डॉग 2, एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, ब्रीड, एज, कलर, बिहेवियर, बार्क, स्लीप, ईट, इस तरह से उसका एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, जो कि उसके क्लास डॉग एट्रीब्यूट 1 मैमल है, एट्रीब्यूट 2 डॉग है, तो डिफाइन फंक्शन करेंगे आई एम आ सेल्फ एट्रीब्यूट 1, सेल्फ एट्रीब्यूट 2, रोजर डॉग, और रोजर डॉट डॉग मैमल है, आई एम आ गा मैमल एंड आई एम अ डॉग। इस तरह से क्लास डॉग आप पाइथन की डेमोस्ट्रेट इंस्टेंस इनिशिएटिंग क्लास को हम बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्लास डॉग की बनाता हूँ, डी ओ जी डॉग, तो यहाँ पर हम क्लास डॉग लेंगे। ठीक है,
अ सिंपल क्लास एट्रीब्यूट, सिंपल क्लास एट्रीब्यूट हम देंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट वन इज इक्वल टू मैमल, इसको ठीक कर दें, एट्रीब्यूट टू इज इक्वल टू डॉग, एट्रीब्यूट टू सॉरी टू इज इक्वल टू डॉग, सिंपल मेथड डेफ फंक्शन, डेफ फंक्शन सेल्फ, ठीक है, प्रिंट आई एम सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट वन कॉमा आ जाएगा, एट्रीब्यूट वन सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट वन, प्रिंट आई एम आई सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट टू, सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट टू, ठीक है जी, रोजर इज इक्वल टू डॉग, रोजर इज इक्वल टू डॉग, ये इसका नाम आ गया, और प्रिंट रोजर डॉट एट्रीब्यूट वन, प्रिंट रोजर डॉट एट्रीब्यूट डबल आर वन, ठीक है, रोजर डॉट फन, रोजर डॉट फन, ठीक है जी, ना रहा, ठीक है जी, ठीक है जी, इस तरह इसको प्रिंट किया हमने, तो इस तरह से ये हमने डॉग की क्लास बनाई है, तो ये तरीका कार है क्लास डॉग को एट्रीब्यूट को चलाने का, कार की क्लास है हमने बनाई थी, क्लास कार कार आ जाएगा, और बाइक की क्लास थी कैट, स्कोप बनाए थे हमने, पर्सन्स हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।